हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ किचन की एक बहुत ज़रूरी टिप। जैसे कल मैं लेके आई थी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे देखिए, आप मार्केट से गोभी का फूल लेके आए हैं, देखिए मैं गोभी का फूल लेके आई हूँ, बहुत बड़ा है। यहाँ पे गोभी का फूल बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है और एक बारी में यूज़ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, गोभी के फूल को इस तरीके से इसके पीसेस कर लीजिए। देखिए, इसको स्टोर करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्या करना है। आपको इस तरीके से गोभी के पीस आपको कट कर लेने हैं। जैसे इस तरीके से मैंने गोभी के पीसेस को कट किया, देखिए जिस साइज के आपको कट करने हैं आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद क्या करना है, सभी पीसीस को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद एक बार इसे ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद क्या करना है, जब पीसीस इस तरीके से ड्राई हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पीस ड्राई हो गया है, तो आपको इस तरीके से एक पॉली बैग लेना है। पॉली बैग में सारे पीस इस तरीके से रख देना है। ये देखिए, इस तरीके से सारे पीसेस रख दीजिए। या फिर आप क्या कीजिए, इस तरीके से एक बॉक्स लीजिए, इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से पीसेस रख दीजिए। ये पीस रख के आप इसको इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं काफ़ी दिन तक। एटलीस्ट आपकी 5 to 6 मंथ तक आपकी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि गोभी को हम बाहर रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी मुरझा जाती है, मुरझाई मुरझाई हो जाती है। लेकिन इस तरीके से कभी भी आपका गोभी का बड़ा फूल आ जाए तो उसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या किया जाए। तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 5 से 6 महीने तक आपकी गोभी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे गोभी का फूल बहुत बड़ा मिलता है। तो मैं इसी तरीके से इसकी स्टोरेज करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई टिप के साथ। बाय।